भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच एडिलेड ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया अब सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी है। जी हां, बता दें आपको कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने बोर्ड पर 250 रन लगा दिए हैं। खास तौर पर ये 250 रन इस वजह से भी बड़े हैं क्योंकि एक समय भारत के बल्लेबाज आया राम गया राम की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक बल्लेबाज ऐसा था जिसने हार नहीं मानी और ऑस्ट्रेलिया को उसके घुटनों पर ला दिया। आपको बता दें कि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की तेज तर्रार गेंदों का जवाब भारत के किसी भी बल्लेबाज के पास नहीं था, लेकिन जवाब था चेतेश्वर पुजारा के पास। चेतेश्वर पुजारा अकेले पूरा दिन बल्लेबाजी करते रहे और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। चेतेश्वर पुजारा ने 123 रनों की मैराथन पारी खेली और करीब 350 गेंदों का उन्होंने सामना किया। कहीं ना कहीं चेतेश्वर पुजारा की ये पारी इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय टीम अब 250 रन बना चुकी है। अब गेंदबाजों के पास कुछ है दिखाने के लिए कि नहीं भाई, हम जो है ऑस्ट्रेलिया को आउट कर सकते हैं। बहरहाल अब 9 विकेट भारत के गिर चुके हैं। पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है, करीब 88 ओवर का खेल हुआ पहले दिन में और आखिरी में रनआउट के चक्कर में पुजारा को अपना विकेट गंवाना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि आज नॉट आउट जाएंगे चेतेश्वर पुजारा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी विकेट के बाद ये बात साफ हो गई कि चेतेश्वर पुजारा के आउट होने के बाद अब भारत इस मैच में वापस आ सकता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।